नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। सलाधार बारिश से जूझने बाद देश की आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई के डोगरी में मंगलवार को 4 मंजिला इमारत ढह गई। इमारत के मलबे के नीचे तकरीबन 40 से 50 लोगों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है और मौके पर एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस समेत कई रेस्क्यू गाड़ियां पहुंची है। राहत बचाव कार्य चल रहा है और मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिशें जारी है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आर्थिक राजधानी मुंबई से, जहां पर डोगरी में 4 मंजिला इमारत गिर गई है। आपको बता दें कि मंगलवार को यह हादसा हुआ और इस इमारत के नीचे तकरीबन 40 से 50 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया है। और गुरु पूर्णिमा का दिन सदियों से चली आ रही गुरु और शिष्य की परंपरा का वाहक है। इस दिन जहां शिष्य अपने गुरुओं को नमन करते हैं और उन्हें गुरु दक्षिणा स्वरूप